देखिए फ्रेंड, आज मैं एक पर्स लेकर के आई हूँ आप लोगों के पास, और वो मैं ये मेंस जीप से बनाऊंगी। आप लोग इसे शुरू से लेके लास्ट तक हमारे वीडियो को देखिएगा, और मैं ही बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसे बना करके दिखाऊंगी। तो चलिए मैं अब बनाती हूँ। ये दो मेंस जीप है जिसमें से मैं एक ले लूंगी, और कुछ कलरफुल ऊन लेना है मुझे, ये देखिए। और इसके लिए मुझे दो तरह के क्रोशे लेने पड़ेंगे। हमारा ये क्रोशिया है, एक तो मैंने पतला लिया है और दूसरा थोड़ा सा मोटा। तो चलिए मैं बना करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इस जीप को सीधा कर लूंगी। ये हमारा सीधा है, और यहां से बिल्कुल इसके बगल से आधा इंच की दूरी से मैं इसमें इस तरह करके एक फंदा निकालूंगी, और ये मैं सिंगल क्रोशिया से बनाऊंगी, ये देखिए। और एक नोट दे दूंगी इस तरह से, तो ये मेरा इस तरह बन जाएगा। बस इसके बगल बगल में मैं ऐसे बनाती चली जाऊंगी। इसीलिए मैंने ये सबसे पहले पतला क्रोशिया चुना है, ताकि इसमें आराम से हमारा फंदा जा सके और निकल सके। मैं ये पूरा फंदा मैं आपको यहां से ले करके पूरा यहां तक बनेगा, तो मैं दिखा रही हूं आपको। ये देखिए, ये मैंने यहां तक बना लिया है। अब इसको टर्न करने के लिए मैं इसमें तीन चेन दे दूंगी, एक दो तीन, एक चार, एक बार एक एक्स्ट्रा ले लूंगी, और इसको सीधे इसके बगल में सेम टू सेम यहाँ पे डाल के ऐसे ऐसे निकाल लूंगी। ये इस तरह से हो गया। फिर से एक बार ऐसे ऐसे बना दूंगा, फिर सेम टू सेम उसी तरह से मैं ये पूरे लाइन इधर से ऐसे बनाते चले जाऊंगी। ये देखिए, सेम इसी तरह से बनता चला जाएगा हमारा ये लाइन भी। देखिए फ्रेंड, फिर से मैं लास्ट में आई हूं, तो इसे भी सेम मैं उसी तरीके से कर दूंगी। ये देखिए, इसको भी मैं चार चेन ले लूंगी, एक दो तीन चार, चार चेन लेके इसे भी मैं यहाँ पे टर्न कर दूंगी, और इसका जो मैं बाद में इसका फिनिशिंग दूंगी इस तरह करके, ये देखिए, और हो गया ये। फिर से एक बार इसी में बना दूंगी, ये देखिए बन गया, कुछ इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। अब मैं मोटे वाला क्रोशिया लूंगी, और मोटे वाले क्रोशिया से आगे बनाऊंगी। ये देखिए, इससे मैं एक बार देखिए इस तरह से पलट दूंगी, पलटने के बाद एक चेन दे दूंगी इस तरह से। चेन देने के बाद अब देख स्टार स्टिच बनाऊंगी ये इस तरह से, देखिए ये एक बार निकालूंगी, ये दो बन गया, और एक बार ये इसमें डालूंगी, तीन, और एक बार इसमें डालूंगी, चार, पांच, और ये छह, कुल छह बनेंगे मेरे। और सबको एक साथ ले जा करके बंद कर दूंगी, ये देखिए इस तरह से। फिर से देखिए, एक बार, दो बार, और जिसमें डाली थी एक बार
तीन बार, चार बार, पांच बार और ये रहा छह बार। ये छह फंदे होने के बाद मैं छह का एक बहुत ही आराम से बना लूंगी और फिर एक बार इसको नोट डाल दूंगी। फिर से एक बार देखिए, बार बार इसे देखते रहिए आप और बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए। ये देखिए दो बन गया और एक इसमें डालूंगी, ये तो एक बार तीन हो जाएगा और इसी में अगेन चार, पांच और एक छह। ये देखिए तीन तीन छह, छह बन गया। छह बनने के बाद सबको एक साथ में ऐसे करके देखिए, यहाँ एक खुद फ्लावर जैसा बन जाएगा ये, इस तरह देख लिया आपने। ये छह बार, ये एक स्टार स्टिच है। फिर से एक बार बना के दिखाती हूँ। ये देखिए दो दो फंदे आ गए हमारे इसमें। दो फंदे आने के बाद एक बार इसमें तीन, एक बार इसी में चार, चार पांच और एक बार छह। तो इस तरह से मैं सभी, ये पूरा स्टिच हमारा यहां से लेके यहां तक चलेगा। फिर से एक बार गांठ बांध दूंगी, दो तीन चार पांच छह और सबको एक बार लेके ऐसे इस तरह करके मैं पूरा बना लूंगी। ये पूरा स्टिच में बना करके दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड, फिर से एक बार गौर से देख लीजिए आप, स्टार स्टिच से ये मैं बैग बना रही हूँ। ये देखिए बहुत ही इजी तरीके से आपको बता रही हूँ। एक दो तीन चार पांच हो गया, एक बार और इसमें डालना है। ये पूरा राउंड हमारा स्टार स्टिच से ही चला है। और एक बात है, ये जो आपको ये सब नजर आ रहा है ये सब फिनिशिंग के बाद है सेलेक्ट कर दिया जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा फंदा और उठा लीजिए हल्का सा, और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला छेद, इसमें एक बार डाल दूंगी। उसके बाद इसमें ये हमारा तीन हो गया, फिर चार, कम से कम मुझे इसमें छह चाहिए फंदे, पांच और ये रहा एक छह। ये पूरा छह अब होने के बाद सबको एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद हल्का सा एक नोट दे दिया जाएगा। तो एक लाइन स्टार स्टिच पूरा बन जाएगा। पांच, एक बार छह, टोटल मेरा ये बनके फिनिश हो गया। ये देखिए एक दो तीन। अब मैं टर्न में चार पांच और एक बार इसी में इस वाले में ये देखिए ये बन गया। सबको एक साथ ले जाकर इस तरह से कर देना है तो ये इस तरह से बन जाएगा हमारा। अब जो क्या करूंगी मैं, लास्ट में स्लिप स्टिच दे दूंगी इसमें। ये बन गया। अब आप दो चेन लेकर के, ये देखिए एक दो चेन लेकर के जो ये दिख रहा है इसमें दो बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया हाफ डबल क्रोशिया, फंदे लेकर के इस तरह से बना देंगे बिना चेन लिए हुए। फिर अब इसमें बन जाएगा।
तो ये लाइन भी मेरा सेम पूरा पैटर्न, मेरा ये तीसरा राउंड भी पूरा हो चुका। अब इसको मैं स्लिप स्टिच दे दूंगी इस तरह से, और फिर से दो, और ये पांच बन गया और एक छह बन गया। तो इस तरह करके मैं इसे फिर से पूरे स्टार स्टिच बना दूंगी, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। 3, 4 हर फंदे में अब ये पूरे 6 बन जाएंगे हमारे, ये देखिए, और 6 का पूरा 1 बन जाएगा। फिर इसी तरह तो देखिए, इस तरह का मैंने एक बना रखा है, ये देखिए, आपको डिजाइन दिखाने के लिए मैंने बनाए हैं। तो ये मैं पूरे स्टार स्टिच से ही बना है फ्रेंड, और ये मैं इसको पूरा सेम इसी तरह से, एक लाइन मैंने स्टार स्टिच बनाए, दूसरा लाइन मैंने सिंगल डबल क्रोशिया से, डबल हाफ क्रोशिया से बनाए हैं पूरे। तो इस तरह करके मैंने इसको लाइनिंग बाय लाइनिंग कलरफुल में बनाए हैं। आप चाहे तो इसे सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। तो देखिए अब इसका लास्ट वाला ही जा रहा है, तो हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से पूरे लाइन में इसे चला जाएगा, ये देखिए इस तरह से। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे इस वीडियो को देखे हैं फ्रेंड। जो हमारे वीडियो में नए जुड़े हैं उससे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारा वीडियो पूरा देखें। देखिए बस इस तरह आप बना लें, मेरा ये लास्ट का राउंड है। देखिए आप, मैं ये दोनों को, इस प्लेग दोनों को मिला करके अब इसे सिलाई कर दूंगी, और मैं ये सिलाई क्रोशिया से ही करूंगी। देखिए ये बैग हमारा तैयार हो चुका है, तो चलिए आप भी इसे बनाइए अपने लिए। और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।